अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस सलमान फ्रॉम न्यूक्लियस मार्केटिंग। ये वाली वीडियो थोड़ी दिन में पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह आपको पता है कि हम लोग जरा दुबई गए थे, वहाँ पे ऑफिस हमारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन इस न्यूज़ को ऑलरेडी मार्केट में लोग चर्चा न्यूज़ पकड़ चुकी है, मार्केट में ऑफिस में लोग आ रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैसल टाउन फेज टू की। जी हाँ, चौधरी मजीद साहब और उनके बरखुरदार ज़ुहैर मजीद साहब ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फैसल टाउन फेज टू के नाम से। ये इनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, काफ़ी लोगों को पता है, इनका नाम मार्केट में मशहूर है E11-1, E11-3, B17, F17, उसके बाद फैसल टाउन, फैसल हिल्स, फैसल मार्केला सिटी, काफ़ी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ये कर चुके हैं। इन पे कस्टमर्स का, ओवरसीज़ कस्टमर का खासकर बहुत ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। जिन जिन लोगों ने फैसल टाउन में 15 लाख का प्लॉट खरीदा था वो आज 1 करोड़ का बेच रहे हैं, जिन्होंने फैसल हिल्स में 15 लाख का खरीदा था वो आज 50 लाख का बेच रहे हैं। तो ये सारा कुछ, ये सारी जो इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, जो एक्सपीरियंस है लोगों का, वो मद्देनज़र रखते हुए फैसल टाउन फेज टू में लोग बहुत इंटरेस्ट दे रहे हैं। न्यूक्लियस मार्केटिंग इज़ एन ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर विद फैसल टाउन फेज टू, तो उसके बारे में ये वीडियो हम बना रहे हैं आज आपके लिए कि फैसल टाउन फेज टू क्या है, कहाँ पे आ रहा है, क्या क्या प्राइसेस होंगी इसकी, आप लोग उसमें बुकिंग कैसे कर सकते हैं, और क्या हम समझते हैं कि ये जो इनकी प्रोजेक्ट है नया वाला, ये किस तरफ जा रहा है। देखें, चौधरी मजीद साहब का हमेशा से एक बयान रहा है, वो हमेशा अपने हर वीडियोज़ में और बयान में कहते हैं कि उनका जो मेन फोकस है वो है ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा श्रिंक्ड है, क्योंकि उन लोगों ने अपने ख्वाबों को तामीर देनी है, अपने बाद में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बाद में बेच के, या तो अपनी फैमिलीज में बच्चों की शादियां करानी होती हैं, या एजुकेशन में सपोर्ट चाहिए होती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन उसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए जो चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स की खूबसूरती होती है वो ये होता है कि ये पेमेंट प्लान आपको काफ़ी एक्सटेंडेड देते हैं। सो जो फैसल टाउन फेज टू का पेमेंट प्लान हमारे सामने आ रहा है, 12th of October को उसकी एग्जैक्ट प्राइसेस, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लॉन्च होंगी, लेकिन एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि उसका पेमेंट प्लान 4.5 ईयर्स, जी हाँ, 4.5 साल का एक इंस्टॉलमेंट प्लान होगा। नॉर्मली इनके जितने भी प्लॉट्स पहले आते थे, जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर 20-25% की डाउन पेमेंट थी, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इनकी डाउन पेमेंट तकरीबन 20% के आसपास होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा प्राइसेस की बात करें, तो जिस लोकेशन में ये लोग आ रहे हैं, उस लोकेशन में इस वक्त प्लॉट्स का रेट है तकरीबन 28 से लेके 30-32 लाख तक। लेकिन उसमें एक मसला, जिसमें मैं थोड़ी देर बात बताता हूँ आपको, पहले मैं ज़रा आपको ज़रा आगाह कर दूँ कि इनकी लोकेशन आ रही कहाँ पे है। अभी जो इनकी लोकेशन जो एंटिसिपेट की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काफ़ी परचेजिंग की है हमारी सोर्सेज के मुताबिक, वो ठलियाँ इंटरचेंज से लेकर चकरी रोड तक है। किसी भी सोसाइटी ने आज तक सिटी के इतने करीब प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको मालूम है कि सारे चकरी रोड की तरफ वाके हैं, या वो फतेह जंग की तरफ वाके हैं, या वो जीटी रोड पे टुवर्ड्स पेशावर, नौशहरा वगैरह की तरफ वाके हैं, और या फिर जिस तरह भी जीटी रोड पे टुवर्ड्स लाहौर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो सिटी के विसिनिटी के इतने करीब होगा, तो उसकी वजह से एक तो चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि थोड़ा सा रेट जो बहुत दूर सोसाइटीज़ हैं उनसे थोड़ा बेहतर होगा। बिकॉज देखिए, लैंड यहाँ पर प्रोक्योर करना इतना आसान नहीं है, और ऑब्वियसली एक्सपेंसिव लैंड ये लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, उसके बावजूद ये लोग आपको इतना लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान दे रहे हैं, बिकॉज ये सोच रहे कस्टमर की भलाई के लिए हैं। सो जो लोकेशन ये बता रहे हैं, ठलिया इंटरचेंज से लेकर चक्की रोड तक, ये सिटी के सबसे करीब तरीन, इतना बड़ा नाम और इतनी बड़ी सोसाइटी आएगी, एयरपोर्ट तकरीबन ये 4 से 5 मिनट ड्राइव बन जाती है, जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल न्यू एयरपोर्ट है, एक एक्सेस तो इसको ठलिया इंटरचेंज से तब के साथ मिलेगी। लेकिन जितनी बड़ी ज़मीन ये लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनको एक इंटरचेंज का एक्सेस या इनको एक एग्जिट मेन मोटरवे से भी मिल जानी चाहिए इन द लॉन्ग रन। अब उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा प्राइस की बात करें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आसपास की वहाँ पे जो और सोसाइटियाँ हैं वो 28 से लेके 32-33 तक के एक प्लॉट का रेट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उस रेट में एक इशू होता है जितने भी ये सोसाइटीज़ हैं कि वो लोग डेवलपमेंट चार्जेस उसमें इंक्लूड नहीं करते। लेकिन जो खूबसूरती फैसल टाउन फेज टू के प्लॉट्स की होती हैं, वो डेवलपमेंट चार्जेस अपने प्लॉट्स में शामिल रखते हैं। देखिए, हर सोसाइटी का अपना एक तरीकाकार होता है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस बाद में इंक्लूड करता है कि कस्टमर पे एक ही टाइम पे इतना बोझ नहीं डालना, लेकिन फैसल टाउन कहता है कि मैं अपने कस्टमर को डेवलपमेंट डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसके साथ ही रेट एक ही बार अनाउंस करता हूं, ताकि कस्टमर्स पे बाद में एक बोझ ना डाला जाए कि जी आपने 15 लाख 20 लाख और पे करने हैं। सो जो भी इनका रेट आ रहा है उसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड होंगे। सो जो हम प्राइस एंटिसिपेट कर रहे हैं इस एरिया में, वहाँ अगर हम 5 मरले की प्लॉट की बात करें तो वो 27 से 30 लाख के दरमियान में होगा, और अगर हम उसका एक 20% जिस तरह इनका पिछला एक्सपीरियंस रहा है डाउन पेमेंट की बात करें, सो वो तकरीबन 5.5 लाख तक का एक डाउन पेमेंट बनेगा आपका। ये जो रेट आ रहा है, इस रेट के साथ फैसल टाउन जैसा प्रोडक्ट, और वो भी 4.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ, ऑब्वियसली एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट है जो आपको इन द लॉन्ग रन काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, जो कि हमारे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है फैसल टाउन में भी और फैसल हिल्स में भी।
तो ये एक न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ लाजिम शेयर करनी थी। ये प्रोजेक्ट ZM बिल्डर्स का प्रोजेक्ट होगा, जो इनके पिछले प्रोजेक्ट्स भी हैं, खुद इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन होंगी। इनके मेन बुलेवार्ड भी एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, वो तकरीबन 270 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है। हज़ारों कनाल ज़मीन ये लोग खरीद चुके हैं, तो सोसाइटी इस तरीके से नहीं बन रही कि आपके पैसों से ज़मीन खरीदनी है, ऑलरेडी लैंड प्रक्योर कर चुके हैं। बस 12 अक्टूबर को हमने लैंड पर जाके खड़े होकर वहाँ पे आपको वीडियो बना के दोबारा दिखानी है कि एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ पे है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एज आई टोल्ड यू कि न्यूक्लियस मार्केटिंग फैसल टाउन फेज टू के साथ ऑथराइज सेल्स पार्टनर बन चुकी है और हम लोग बुकिंग्स अभी इसकी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन फैसल टाउन फेज टू, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हमारे ऑफिस विजिट करें ताकि हम फैसल टाउन फेज टू पे आपको और ब्रीफिंग दें और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कराएं। बिकॉज इन द लॉन्ग रन फैसल हिल्स और फैसल टाउन का जो फेज वन था वही रिजल्ट हमें यहाँ मिलने वाले हैं और इसकी लोकेशन तो उन दोनों से भी ज्यादा प्रीमियम है। सो इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल मिस ना करें, लाजिम रब्ता करें और फैसल टाउन फेज टू के बारे में और मालूमात हासिल करें। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें और ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।